नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। इसके बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कब बुलिश होगा, कब बेरिश होगा। अभी बैंक निफ्टी जो करंट सिनेरियो है, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। देखिए, ये डेली चार्ट है, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पर सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड क्या है बैंक निफ्टी में। जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, तो शॉर्ट टर्म अगर देखें तो यहाँ पर हाई बना, फिर ये जो हाई बना इससे नीचे बना, ये जो हाई बना इससे नीचे बना, ये जो हाई बना इससे नीचे, फिर ये जो हाई बन रहा है ये भी नीचे है। तो मतलब अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का हेल्प लें, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और फिर एक ट्रेंड लाइन हम इधर से ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब की दोनों ट्रेंड लाइन को मिला करके बात करें, एक ट्रेंड लाइन नीचे से ली, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से, तो जो बैंक निफ्टी है वो एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी ट्रायंगल में बैंक निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इस ट्रायंगल में जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, ये स्विंग काफी बड़ा था, फिर ये स्विंग छोटा था, फिर ये स्विंग यहाँ से यहाँ जो आया उससे भी छोटा, फिर ये स्विंग उससे भी छोटा, फिर ये स्विंग उससे भी छोटा। धीरे धीरे बैंक निफ्टी का जो स्विंग है वो छोटा होते रहा है, सिकुड़ते जा रहा है, सिकुड़ते सिकुड़ते जैसे फिर से एक्सपेंड होगा, या तो ये नीचे ब्रेक डाउन कर दे इस ट्रेंड लाइन को, और या इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक कर दे तो यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर बेयरिश हो जाएंगे। और ये जो स्विंग सिकुड़ रहा है लगातार, अगर ये स्विंग फिर से किसी और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक्सपेंड होता है तो फिर ये बुलिश होगा या तो बेरिश होगा। फिलहाल हम मान के चल सकते हैं ये दो ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी में बैंक निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो हम अभी लॉन्ग टर्म के लिए ना तो बुलिश हो सकते हैं ना तो बेरिश। शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड है, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है डाउनवर्ड है। और जो अभी रिसेंट की बात करें, तो रिसेंट में मतलब अभी पिछले एक दो सप्ताह से ये जो बैंक निफ्टी है वो साइडवेज है, क्योंकि ये ना तो लोअर लो बना रहा है ना तो हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीट रूप से साइडवेज है। अब बात कर लेते हैं हम सप्लाई और डिमांड का। तो ये देखिए, ये सप्लाई रीजन है, तो यहाँ पर जो ये 36,000 का लेवल है वो सप्लाई रीजन है। तो जब तक ये 36,100 के ऊपर निकल नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक हम बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे। 36,100 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी में हम बुलिश होंगे। वहीं डिमांड जोन की बात करें, तो ये डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का। तो अगर इस जोन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर इस जोन को ब्रेक करे डिमांड जोन को, जो कि है 32,200 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। तो देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ साथ जो नियरेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो भी ब्रेक होना चाहिए, तब हम बुलिश और बेरिश होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका लेवल्स है, बुलिश तब होंगे जब ये 36,100 के ऊपर निकलेगा, बेरिश तब होंगे बैंक निफ्टी में कंप्लीट रूप से जब ये 32,200 के लेवल को ब्रेक कर देगा। देखिए, अब हम 15 मिनट चार्ट पर इंटरडे लेवल्स की बात करेंगे। तो इंटरडे के लिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड जोन है या कोई ट्रेंड लाइन है उसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, ये सपोर्ट रीजन है, तो ये सपोर्ट रीजन को मतलब डिमांड जोन है, इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तभी हम बेरिश होंगे, जो कि है 34,950 या 900 के कहे, इसके नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। वहीं जो इंटरडे के लिए यहां पर जो सप्लाई जोन है, अब देखिए ये जो सेलिंग आया है वो इस सप्लाई जोन से है 35,500, तो 35,500 ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। जब तक इसके बीच रहता है बैंक निफ्टी साइड पेज रहेगा इंटरडे में, और इसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो यहाँ पर 34,900 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। अगर 35,500 के ऊपर निकलता है तो हम इंटरडे में बुलिश हो जाएंगे। तो इंटरडे के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कल यहीं पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 34,900 के लेवल को निकालता है तो फिर काफ़ी मतलब गिरावट दिखा सकता है बैंक निफ्टी इंटरडे में। और फिर वहीं अगर यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो गया तो फिर आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए इंटरडे लेवल। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी हमने बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल देखा, सप्लाई जोन कहाँ है, डिमांड जोन क्या है, कौन से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी बुलिश होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।